9 दिवसीय देवी आराधना का पर्व नवरात्रि शहर में पूरे उत्साह और परंपरा अनुसार मनाया जा रहा है। शहर के कई स्थानों पर पारंपरिक गरबों का आयोजन हो रहा है, वहीं अनेक स्थानों पर माता की स्थापना की गई है। हर वर्ष की तरह इस बार भी भंडारी पब्लिक स्कूल में केसरिया गरबा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह पूरा आयोजन सनातन परम्परा और संस्कृति के अनुरूप किया जा रहा है। परम्परागत गरबा गीतों पर बड़ी संख्या में परिवार, महिलाएं और पुरुष इस पूरे भक्तिभाव भरे आयोजन का आनंद ले रहे हैं। गरबा के आयोजक रितेश कपूर एवं आशीष जायसवाल ने बताया कि यह आयोजन पूरी तरह से सनातन परंपरा के अनुरूप हो रहा है। जहां प्रवेश के समय आधार कार्ड देखकर प्रवेश दिए जा रहे हैं, वहीं सबको सनातन परंपरा अनुसार तिलक लगाया जा रहा है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से अनेक स्थानों पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, वहीं बजरंग दल और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी सुरक्षा को लेकर तत्पर नजर आ रहे हैं। आकर्षक विद्युत सज्जा एवं साउंड सिस्टम सभी को आकर्षित कर रहा है, वहीं अन्य सारी सुविधाओं के लिए भी आयोजकों द्वारा व्यवस्था की गई है। केसरिया गरबा महोत्सव अपने छठवें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। जैसा कि हमारे आयोजन का नाम ही है केसरिया गरबा पारिवारिक महोत्सव। पारिवारिक महोत्सव मतलब परिवार के लिए आयोजन किया गया है। परिवार कहे तो हिंदू समाज हमारा पूरा परिवार है और यह आयोजन हमने हिंदू समाज के लिए रखा है। यहाँ आने वालों के लोग हम तिलक लगाकर स्वागत कर रहे हैं। यहाँ आने वालों का हम सुरक्षा की दृष्टि से आधार कार्ड चेक कर रहे हैं। यहाँ पर हमने बाउंसर और सुरक्षा गार्ड भी रखे हैं। इसके अलावा आने वालों को हमने पास दिए हैं। इसके अलावा भी हमने परिवार और या फैमिली के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया है। इसमें सिंगल पुरुष को हमने बिल्कुल अलाउ नहीं किया है। सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिसके ऊपर हमारी चौतरफा पूरी नजरें हैं और प्रशासन से भी हमें इस आयोजन को लेकर बहुत सहयोग मिल रहा है। जी हाँ, तिलक भी इसलिए लगाया जा रहा है। हिंदू धर्म की पहचान जो पहचान यही होती है कि स्वागत के लिए तिलक लगाया जाए और हमारे हिंदू धर्म के स्वागत का एक वो तिलक लगाना ही मेन माना जाता है, इसलिए हम लोग तिलक लगाते हैं। और आधार कार्ड भी इसलिए चेक कर रहे हैं कि हमने जिसको बुलाया है और जिसके लिए आयोजन है ये वही लोग यहाँ पे अंदर उपस्थित हो गए। रितेश कपूर, केसरिया गरबा महोत्सव संयोजक। ये ऐसा है कि ये दुर्गा माँ दुर्गा की आराधना का पर्व है, तो इस आयोजन में किसी तरह की अश्लीलता ना हो, गैर हिंदू का प्रवेश ना हो, इसलिए बजरंग दल की पूरी कार्यकर्ता जो है वो बाहर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इस आयोजन में बाहर जो है आधार कार्ड देखकर ही एंट्री दी जा रही है और पूर्व में आयोजकों के साथ बैठक कर यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी तरह की अश्लीलता और गरबे के अलावा कोई फिल्मी गाने यहाँ पर ना बजाएं, जिसपे ये क्योंकि नृत्य नहीं है, ये माँ की आराधना का पर्व है, इसलिए गरबा ही बजे और गरबे ही हो, ये सुनिश्चित कर आयोजकों के साथ बैठक कर यह आयोजन हो रहा है। आदित्य मेहता, विभाग संयोजक, बजरंग दल, खंडवा।